राम सरकार हम बिहार आ रहे हैं मई में, बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से, और पटना आ रहे हैं आज ही, हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी। और बिहार तो ना का बात वाह हो रहा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला, अमर हो जा। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। अंधविश्वासी तो तुम हो तेज प्रताप, कि टिक्का लगा के कभी महादेव बन जाते हो, कभी कृष्ण बन जाते हो, कभी बांसुरी बजाने लगते हो। कौन है बागेश्वर बाबा, ये है कौन बाबा आबाटा बाबा, ये चोर सबके आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, इन्हीं बाबा बाबा के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, भाग किस्मत के चलते सब मर रहा है। पप्पू यादव तो हद ही कर बैठे हैं इन दिनों, गजब ही कर रहे हैं, जैसे जितने मोटे हो हैं वो उतना ही मोटा इनका दिमाग है। हिंदू मुस्लिम मान के चलिए जिसमें दंगा हो जाए वैसा भाषण नहीं दे, आना तो स्टेट है, कोई भी आ सकता है। कोई भी बाबा अभी या कोई भी धर्मगुरु अभी ये इसको लेकर के इतना हाई तोबा मचाने की जरूरत क्या है? हम है डकैत, हम है मर्डरर, और हम दूसरे को बोल रहे हैं चोर चिल्लर, तो अब क्या कहेंगे हम? जब से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने की खबर सामने आई है, तब से श्रद्धालुओं में जहां एक तरफ उत्सवी माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसके विरोध में भी सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं का तो यहां तक कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में अंधविश्वास एवं पाखंड फैलाने की मंशा से आ रहे हैं। गौरतलब हो कि धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को बिहार के पटना में प्रवचन करेंगे, जिससे हिंदू संगठनों में हर्षोल्लास का माहौल है। लेकिन मामला चर्चा में तब आ गया जब राजद नेता तेज प्रताप ने धीरेन्द्र शास्त्री को एयरपोर्ट पर ही घेरने की बात कर गए। वहीं पप्पू यादव ने तो उससे एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि कौन है ये धीरेन्द्र शास्त्री जो लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता, कर्म की महत्ता है, ये बाबा लोग किसी का भला नहीं कर सकते, बस अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम रहीम आसाराम जैसे धीरेन्द्र शास्त्री भी सिर्फ अंधविश्वास फैलाकर लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो। अगर भाईचारे का संदेश देंगे आ करके कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। बाबा भी आ रहे हैं। कौन है बागेश्वर बाबा, ये है कौन बाबा आबाटा बाबा, ये चोर सबके आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, इन्हीं बाबा बाबा के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, भाग किस्मत के चलते सब मर रहा है। ये बाबा इतना चमत्कारी है तो बोलो ना बॉर्डर पर चाइना में जाकर के सब आर्मी को हटा दे और गरीबी खत्म करके अमीर बना दे, अब बेरोजगारी खत्म कर दे, चमत्कार करता है तो गरीब को अमीर बना देना, कौन फेर फाड़ में ये बाबा बाबा चोर चिल्लर के फेर में रहते हो? वहीं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित NSD के रंगकर्मी मिथिलेश रॉय ने कहा कि कुछ लोगों को हर मामले में सिर्फ नकारात्मक पहलू को ही देखना है, इन लोगों को सकारात्मकता से कोई मतलब नहीं है। मिथिलेश रॉय ने बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का पटना आने के विचार पर कहा कि उनका यहाँ आना स्वागत योग्य है। उन्होंने यह भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन से बिहार के लोगों में सनातन संस्कृति को लेकर बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। देखिए वो एक संत हैं, छोटी उम्र में अध्यात्म के प्रति इस तरीके से जुटकर सचेत होकर राष्ट्र को सनातन धर्म के बारे में ज्ञान बांटना ये साधारण बात नहीं है। जो भी लोग इनके बारे में विपक्ष में बोल रहे हैं कि 13 तारीख को यहाँ आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट पर विरोध करेंगे, आने नहीं देंगे, कोई कह रहा है इनको जेल में बंद कर देंगे, जो भी हैं दोनों मिनिस्टर ही हैं, एक तेज प्रताप है और एक वो शिक्षा मंत्री है, पप्पू यादव भी बोल रहे हैं, तो हमें तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में नेता बनते हैं जिनको कोई होश आभास ही नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस विषय को काटना है, किस विषय का पक्ष लेना है, राजनीति सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। अरे भाई वो आ रहे हैं अपना सनातन को लेकर के, यहाँ के लोगों ने उनको बुलाया है, बाहर से आ रहे हैं, आप उनकी इज्जत करिए। अंधविश्वासी तो तुम हो तेज प्रताप, कि टिक्का लगा के कभी महादेव बन जाते हो, कभी कृष्ण बन जाते हो, कभी बांसुरी बजाने लगते हो तो कभी डांस करने लगते हो, कभी घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है तुम्हारा, कभी भैंस को लेकर के बैठ जाते हो, असल
क्या बोलें, हमको तो बोलते हुए भी शर्म हो रही है कि हमारे बिहार में ऐसे ऐसे नादान लीडर हैं। बागेश्वर बाबा जो हैं उनकी सिद्धि है, उनका अपना अधिकार है, उस पर एक अधिकार क्षेत्र है, वो अध्यात्म को लेकर आगे। हाँ, तो उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को कि बागेश्वर बाबा क्या बोल रहे हैं और ये गलत है और ये और भी लोग करते हैं, वैज्ञानिक लोग इस पर काम बोलते हैं। तो सबका अपना अपना क्षेत्र है, किसी को कोई रोका थोड़ी है। बागेश्वर बाबा ने थोड़ी कहा है कि श्रुति जी ना करें या तेज प्रताप बोलें या शिक्षा मंत्री बोले या ये अब लीजिए पप्पू यादव। पप्पू यादव तो हद ही कर बैठे हैं इन दिनों, गजब ही कर रहे हैं। जैसे जितने मोटे हैं वो उतना ही मोटा इनका दिमाग है। वो तो बागेश्वर बाबा को चोर चिल्लर बोल दिए, चोर चिल्लर। अब हम हैं चोर, हम हैं डकैत, हम हैं मर्डरर और हम दूसरे को बोल रहे हैं चोर चिल्लर, तो अब क्या कहेंगे हम जी। 13 तारीख को जो है धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं पटना, तो जिसको लेकर के अलग अलग राजनीति दल फिर अलग अलग बात कर रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कोई भी बाबा अभी या कोई भी धर्मगुरु अभी तो इसको लेकर के इतना हाई तोबा मचाने की ज़रूरत क्या है? यह हिंदुस्तान है, यहाँ पर इस बात की पूरी छूट है कि जो जिस धर्म के मानने वाले हैं उस धर्म का पालन करें, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सबको अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करने की सुविधा प्राप्त है। कोई भगवान को याद कर लेता है, कोई अल्लाह को याद कर लेता है, कोई जो है ईसा मसीह को याद करता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब के यहाँ जा कर के उनको याद करता है। ये तो सबकी पूजा पद्धति अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, सब अपने अपने पूजा और धर्म का प्रचार करने आते हैं, इसमें तो विरोध करने की क्या बात है? नहीं, तेज प्रताप जी कह रहे थे कि वो आएंगे और अंधविश्वास फैलाएंगे। अब कौन क्या कहता है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो अभी तक नहीं सुना कि उन्होंने कौन सा अंधविश्वास फैला दिया। अपना अपना सोच है। कहते हैं कि वो चमत्कार करते हैं, तो चमत्कार पे सर आप कितना भरोसा करते हैं? देखिए, चमत्कार कुछ नहीं है, सब आदमी की अपनी अपनी सोच है। अब जैसे मान लीजिए इस वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया बैठा है, आप कवि हैं, आप जाते हैं और उस चिड़िया को देखते हैं तो कहते हैं कि हा 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 क्या सुंदर सुंदर इसकी आँखें हैं, क्या लंबी लंबी चोंच है, आप उस पर कविता रचना शुरू कर देते हैं। वहीं एक शिकारी बगल से गुजरता है, बोलता है अरे ये चिड़िया को अगर मैं किसी तरह से मार दूँ तो आज रात तो मेरा खाना फर्स्ट क्लास होगा, खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा। तो हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति को कहीं भी जाने का संविधान में प्रावधान है, कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है, कहीं काम कर सकता है, आ जा सकता है, इस पर रोक नहीं है। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक दल के लोग हैं तो वो कह रहे हैं कि वो यहाँ आएंगे और अंधविश्वास फैलाएंगे। अंधविश्वास वाली बात नहीं, कोई व्यक्ति किसी भी प्रदेश में या जिले में जाकर कर करके सामाजिक सद्भाव को खराब करेगा, ये संविधान में अधिकार उसको प्राप्त नहीं है। और अगर ऐसा कोई भावना से कोई आकर के काम करता है तो उसके खिलाफ़ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, कानून के तहत जो सुसंगत धाराओं में जो प्रावधान है उसके अनुसार काम उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन हमारा संविधान जो है, भारतीय संविधान की धारा 25 से 28 आप देखेंगे उसमें राइट टू जो है हमारा जो है रिलीजन, उसमें ये प्रावधान दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कहीं भी जाके कर सकता है। लेकिन उसके आर में कुछ जो है आप जो है कुछ दुर्भावना फैला दीजिए, उसकी आर में जा कर के सामाजिक माहौल को ख़राब कर दीजिए, इसका अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। अरे आना चाहिए तो आ सकता है, उनको मना नहीं है, लेकिन भड़काऊ भाषण नहीं दे जिसमें हिंदू मुस्लिम मान के चलिए जिसमें दंगा हो जाए, वैसा भाषण नहीं दे। आना तो स्टेट है, कोई भी आ सकता है, मना थोड़ू है किसी को आने के लिए, किसी राज्य में जाने के लिए। लेकिन इसमें यह है कि भड़काऊ भाषण नहीं दे जिससे दंगा हो जाए, जिससे राज्य में अशांति फैले, इसलिए हमारे तेज प्रताप यादव जी बोले हैं कि भड़काऊ भाषण नहीं देने के लिए और आने के लिए रोक लगा रहे हैं। और अगर सनातन की बात की जाए, अगर वो लोग करते हैं सनातन धर्म की बात करते हैं, तो आप लोग उसको क्यों हिंदू मुस्लिम एंगल से देखते हैं, फिर क्यों कहते हैं कि भड़काऊ भाषण है? भड़काऊ भाषण इसलिए है कि बजरंग दल का वो लोग बजरंग बली को एक दल बना दिया है, बजरंग दल बना दिया है, तो बजरंग बली का नाम, बजरंग बली तो सबका है, सारे लोगों का है, बजरंग बली सिर्फ बजरंग दल वाले का है, नहीं बीजेपी वाले का तो नहीं है, इसलिए कि बजरंग दल जो बना दिया है बजरंग बली के नाम पर वो गलत है। तो
आप लोग बजरंग बली का नाम नहीं लेते हैं उनके नाम पे? क्या है ना, हम लोग बजरंग बली का नाम लेते हैं क्या, हमारे मल्ला में गंगासी में यहाँ देखिए लगा है हनुमान जी का, महावीर मंदिर में हम पूजा करते हैं। लेकिन राजनीति नहीं करते हैं बजरंग? राजनीति का है, भगवान को हम राजनीति में लाने का क्या जरूरी है? तो क्या लगता है, कोई भूखा सो रहा है तो बजरंग बली जाके भोजन करा देता है? स्टेशन पर तो ढेरी भीख मंगा सोया रहता है, जाके उसको कहे ना भोजन करा देता है, कोई जाके बजरंग दल वाला कहे ना भोजन करा देता है, कैंसर हॉस्पिटल में रोड पर सोया रहता है, पेशेंट मर रहा है, कहे ना उसका इलाज करवा देता है, फिर महावीर कैंसर में भर्ती करवा दे, ढेरी लोग लाइन में खड़ा रहता है। अच्छा, बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, इनके तो बहुत सारे अनुयायी हैं, लाखों अनुयायी हैं, कुछ तो बात होगी ना उनमें जो लोग उनके दीवाने हो गए? हर आदमी का समय आता है, हर बाबा का समय आता है, पहले रामदेव बाबा थे, बहुत साई स्वामी जी थे, महर्षि महिदास थे, ऐसे बाबा हर युग में आते रहते हैं, हर साल में आते हैं। चमत्कार पे आप कितना भरोसा करते हैं? चमत्कार उमत्कार पर हम भरोसा नहीं करते हैं, कुछ चमत्कार नहीं है। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सेनेटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH-31 मरंगा पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स मार्बल्स उपलब्ध है, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे केरोविट का सेनेटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, सावर, सावर एक्सक्लोजर, बाथटब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य इंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सेनेटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NH-31 मरंगा पूर्णिया। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है, अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फर्शियन यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त, जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूँ? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला, थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।